देखिए सीपीयू निकाल दिया है, ठीक है, और कुछ देर बाद देखो एम्पियर जीरो हो गया और फोन में जो फॉल्ट आ गया है वो देखो। तो फोन का जो फॉल्ट है वो आप देख सकते हैं और एम्पियर दिखा देता हूँ। थर्मिस्टर की वजह से आता है या थर्मिस्टर सर्किट की वजह से आता है, तो थर्मिस्टर सर्किट को सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ज्ञानी और महा बाबा बन के नहीं, एक सरल तरीके से, ताकि भाई अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की है ना, अगर आप नया जिंदगी में स्कूल भी नहीं गए तो भी समझ जाओगे, तो पता चलेगा यार इंस्टीट्यूट आने के बाद में क्या आपको मिलेगा। तो क्यों एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट का एक ही नारा होता है कि एसर टेलीकॉम। अच्छा देखो यहाँ पर भी 0.7 वोल्टेज आ रहा है, एक थर्मिस्टर यहाँ पर PFO के पास लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ पर 1.7 वोल्टेज आ रहा है, जो कि देख रहे हो आप एक वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक थर्मिस्टर और मिल गया आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बीप आना चाहिए, ये देखो तो बीप आ रही है, तो उसका मतलब है कनेक्टेड है सीपीयू के अंदर से। हमने इसमें क्या क्या चेक कर लिया, हमने सारे थर्मिस्टर चेक कर लिए, हमने उसके सर्किट चेक कर लिए, हमने पैट लाइन तक चेक कर लिया, हमने चार्जिंग आईसी चेंज कर लिया और हमने पावर आईसी चेंज कर चुका। सो फॉर्मूला है R2 इंटू V अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 1.8 अपॉन उसको चेंज किया और पांचवें नंबर पे हमने CPU को पहले पैट लाइन चेक की थर्मिस्टर की कि भैया अंदर से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और उसके बाद CPU को रिवॉल्व किया और हमारा जो काम है वो सक्सेस हो गया। थर्मिस्टर में आप थर्मिस्टर जब निकालेंगे तो उसके साथ में लगे कैपेसिटर और जो रजिस्टर है उसको भी निकालें, क्योंकि वो भी लीकेज हो सकते हैं। सो बेसिकली ये जरूर ध्यान रखिए। जानकारी लेंगे इस चैनल के माध्यम से। ये है सैमसंग का J4 J00F डुअल सिम, तो ये है डुअल सिम सैमसंग J4, इसको हम बनाएंगे। इसमें टेम्परेचर का एरर है, दिखाता हूँ देखिए। तो अगर इस फोन में इसको यहीं से दिखा देता हूँ, क्योंकि एम्पियर भी देख लो, ये देखिए एम्पियर भी देख रहे होंगे, इसमें एम्पियर जीरो हो जाता है कुछ देर बाद जाकर, देखिए अभी तो 0.061 एम्पियर फोन चार्जिंग पे ले लिया, ठीक है, और कुछ देर बाद देखो एम्पियर जीरो हो गया और फोन में जो फॉल्ट आ गया है वो देखो। तो फोन का जो फॉल्ट है वो आप देख सकते हैं और एम्पियर दिखा देता हूँ, ये देखो एम्पियर जीरो और फोन में जो फॉल्ट आ रहा है वो है आपका, ये देखिए चार्जिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर बनकर आ रहा है। तो थर्मामीटर का मतलब क्या होता है भैया, थर्मामीटर बनता है टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर का एरर आ रहा है सैमसंग में, ये एरर थर्मिस्टर की वजह से आता है या थर्मिस्टर सर्किट की वजह से आता है। तो थर्मिस्टर सर्किट को सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ज्ञानी और महा बाबा बन के नहीं, एक सरल तरीके से, ताकि भाई अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की है ना, अगर आप नया जिंदगी में स्कूल भी नहीं गए तो भी समझ जाओगे, तो पता चलेगा यार इंस्टीट्यूट आने के बाद में क्या आपको मिलेगा। तो क्यों एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट का एक ही नारा होता है कि एसर टेलीकॉम नंबर वन है। बाकी चलो ठीक है, नंबर वन नहीं करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो में करेंगे इस फोन को बनाएंगे और ना ही इसमें बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ये फोन कहाँ से आया है। दोस्तों मेरे लिए फोन है और इसको बनाएंगे, और क्योंकि टाइम है इस फोन बनाने का तो फोन को बनाएंगे, नहीं होता तो वापस कर देते, कुछ भी बोल के भैया ले जा यार ऐसा, और फिर वो कहीं भी आके दुनिया में बनता, पर टाइम ही की तो बात है ना। यहाँ पर दोस्तों खाली नहीं बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर, और क्लास भी देनी है, फ़ोन भी बनाने हैं, अदर्स यूट्यूब चैनल भी हैं उनको भी चलाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो यहाँ पे करते हैं। और दोस्तों मेरे एक पर्सनल ब्लॉग है, आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, मनी रत्न, आप मैं चाहता हूँ कि आप उसको जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करता हूँ, कहाँ घूमने जाता हूँ, क्या मैं अपने इन्जॉयमेंट में करता हूँ, तो सारी चीज़ आपको मैं देखने को मिलेगी। तो मनी रत्न पर्सनल जो मेरे ब्लॉग हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करना, लिंक मैंने नीचे दे के रखे हैं।
चलो इसमें क्या क्या हम पहले चेक करते हैं दोस्तों, इसमें थर्मिस्टर हम पहले चेक करते हैं और थर्मिस्टर कहाँ कहाँ लगे होते हैं तो सारे चेक कर लेते हैं। और तो सबसे पहले मैं इस फोन को बैटरी निकाल देता हूँ। अब देखिए थर्मिस्टर इसमें 3 जगह पे लगे हुए हैं, हालांकि और भी जगह लगे हो सकते हैं पर फिलहाल मैंने अभी 3 ही जगह चेक किया है। तो अगर मैं चेक करूँ तो पहला थर्मिस्टर दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है ये, और इसको ढूंढने का जो टेक्निक है जो हम आपको सिखाएंगे क्लास में वो है 2 मिनट के अंदर। पर अभी हालांकि हमने उसको ढूंढ लिया है तो इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये थर्मिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वैल्यू रजिस्टर, हाई वैल्यू हमने यहाँ पर मैं रखा हुआ है और इसकी रीडिंग आप देखिए। सो आपको देखेंगे 34K का ये थर्मिस्टर है जो कि सही है, और जो इनकी रीडिंग आती है वो कितनी आती है क्या आती है मैं थोड़ा बहुत तो हाइड करके चलूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आप इतना मान के चलो कि इसकी रीडिंग सही है, 30K के नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक जम्पर मारा हुआ है दोस्तों वो एक थर्मिस्टर सर्किट है, क्योंकि चार्जर लगाने पर दो चीज़ें चेक करो, पहले ये चेक कर लो कि 30K के ऊपर है कि नहीं है, दूसरा ये चेक कर लो चार्जर लगाने पर कि इस पर एटलीस्ट 0.5 से 1 वोल्टेज तक आना चाहिए, कितना भी आ सकता है। तो ये देखिए हमने सिर्फ चार्जर लगाया हुआ है और अब हम इस थर्मिस्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था पर मैंने एक जम्पर लगा दिया है और ये जम्पर मैंने 1.8 वोल्टेज से लिया हुआ है। तो आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो अब मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ पर जब मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 0.4 आ रहा है, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वोल्टेज लेने के बाद मैंने जम्पर मारा हुआ है, मतलब थर्मिस्टर को बेसिकली हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। बेसिकली मैं इसको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज से भी जम्पर ले सकता हूँ, पर मैंने यहाँ पर भी 0.4 का यहाँ पे जम्पर दिया हुआ है और जो कि वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, मतलब सेंस कर रहा है, मतलब लाइन तो हमारी वोल्टेज की सही है क्योंकि ज़्यादातर वोल्टेज की लाइन खराब होती है। दूसरा थर्मिस्टर दोस्तों लगा हुआ है यहाँ पर CPU के पास, ये देखिए ये थर्मिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस थर्मिस्टर को मैं चेक करूंगा, चार्ज देखो यहाँ पे भी 0.7 वोल्टेज आ रहा है। एक थर्मिस्टर यहाँ पर PFO के पास लगा हुआ है यहाँ पर देखिए ये, और यहाँ पर 1.7 वोल्टेज आ रहा है जो कि देख रहे हो आप, एक वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक थर्मिस्टर और मिल गया, तो बेसिकली 3 थर्मिस्टर है। और अगर मैं BSI की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मुझे वोल्टेज है ये देखिए, सो BSI में यहाँ पर इतने वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों। ये जो फॉल्ट है इस फॉल्ट में क्या क्या हम कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या। सबसे पहले आना आपने है ना, क्योंकि सर्किट डायग्राम दोस्तों हर एक के नहीं मिलते ना, हमें तो बिना सर्किट डायग्राम पढ़ने, हमें तो कोशिश करना है कि बिना सर्किट डायग्राम के काम हो जाए। तो पहले तो आपको सारे थर्मिस्टर ढूंढ लेना है, तो थर्मिस्टर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरा थर्मिस्टर पे चार्जर लगा के आपने वोल्टेज चेक करना है, तो तकरीबन मैंने क्या बोला 0.4 से 1 वोल्टेज के बीच में आना चाहिए, नहीं आया तो 1.8 वोल्टेज का एक जम्पर दे देना, ये इससे भी हल हो जाएगा। कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं तो 3 फिलहाल बता देता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे लगे होते हैं इसलिए अभी तो फिलहाल 3 बता रहा हूँ। तो एक तो आपका सब बोर्ड में, एक आपका एक वाईफाई के पास भी लगा हो सकता है, चार्जिंग आईसी के पास भी हो सकता है, आपके वायरलेस के पास भी हो सकता है, ठीक है, एक CPU के पास और एक नेटवर्क सेक्शन में। तो ये हमने थर्मिस्टर यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। अगर इस थर्मिस्टर को मैं चार्जर निकाल के इसकी रीडिंग चेक करूँ तो ये भी 30K के ऊपर का मुझे बताना चाहिए। देखिए 200K ओम्स में रख लिया है यहाँ पर, तो देखिए ये भी 30K ओम्स का बता रहा है। प्रैक्टिकली दोस्तों जब हम बोर्ड में काम करते हैं ना तो हमें मिलता है, अगर हम इसको उसमें देखेंगे तो ये 100K ऐसा कुछ या कितना भी K हमें बता सकता है, बट हमें जब प्रैक्टिकली काम करना है तो हमें को इसका भी पता होना चाहिए कि क्या वैल्यू क्यों मिल रही है रीजन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या कर लिया है और मैं अभी क्या करने वाला हूँ। तो देखिए देखिए मैंने पहले बोला पहला चार्जिंग एसी चेंज करो, तो देखिए मैं इसकी चार्जिंग एसी पहले से चेंज कर चुका हूँ, ये इसकी चार्जिंग एसी है और मैं इसकी पावर एसी भी चेंज कर चुका हूँ, ये इसकी पावर एसी है जो मैंने निकाली है ये इस बोर्ड से, ठीक है।
अब मैं इसका सीपीयू रिबॉल करने वाला हूँ और जाइनॉक्स का सीपीयू लगा हुआ है, तो हम इसका सीपीयू रिबॉल करते हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने प्लेट में लगा दिया है, ठीक है, सीपीयू के बगल में सैमसंग की एमएमसी लगी हुई है, तो पहले तो मैं इसको ढक देता हूँ थर्मल पैक से। ये व्हाइट पेस्टेड होते हैं जनरली, और जे फोर का है, हो सकता है ये व्हाइट पेस्टेड भी ना हो, पर हम इसको एक बार यहां से ढक देंगे। टेम्परेचर मैंने रखा है 350। थोड़ा सा साइड में पेस्ट भी देख लेता हूँ अगर है कि नहीं है, क्योंकि व्हाइट पेस्टेड का ये सीन होता है दिखता बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा पैड ओपन होते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं इसको। ये प्रोटेक्शन आईसियाँ होती है जो छोटी छोटी आपको 6 लग के दिखाई दे रही है, ये डायोड से मिलकर बनी होती हैं, पैरेलल होती है। ये ज़्यादातर सिम कनेक्टर, एसडी कार्ड, इन सब के लिए होती है। अभी रुक जाओ, देखिए सीपीयू निकाल दिया है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं।
तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है सीपीयू और सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया है। अब एक बार हम कंटिन्यूटी मेथड से अपनी जो थर्मिस्टन की लाइन है उसको हम अंदर तक चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी थर्मिस्टर की लाइन है, इसको मैं चेक करूँगा तो ये मुझे कौन से पैड पे ले जाएगा। ये देखिए, ये थर्मिस्टर है, यहाँ से रखूँगा एक पॉइंट, यहाँ पे मुझे बीप आना चाहिए। ये देखिए, ये बीप आ रहा है, और एक यहाँ से मुझे नीचे से बीप आना चाहिए। तो ये मेन लाइन है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक जम्पर ले सकता हूँ समझने के लिए। ये देखिए, तो हमने इस पैड के साथ जंपर कर लिया है, ये आप देख सकते हैं बी मोड पे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए अब हमने जंपर कर लिया है। ये देखिए, ये एक सिरा इसके साथ, ये वाला सिरा इसके साथ कनेक्टेड है। जब मैं यहाँ रखूँ, ये तो ये आपस में बीप मोड पे है, और जब मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे बीप आना चाहिए। ये देखिए, मतलब ये कनेक्टेड है। तो अब मैं यहाँ पर रखूँगा, देखिए ग्राउंड पे कोई बीप नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बीप आना चाहिए, ये देखो, तो बीप आ रही है, तो उसका मतलब है कनेक्टेड है सीपीयू के अंदर से। ठीक है, कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हम सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। तो चलिए सीपीयू को अब वापस लगाते हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों हमने यहाँ पे सीपीयू लगा दिया है और सीपीयू लगाकर हमने चेक कर लिया कि भाई माइक्रो जम्पर की जो जरूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हमने इसमें क्या क्या चेक कर लिया, हमने सारे थर्मिस्टर चेक कर लिए, हमने उसके सर्किट चेक कर लिए, हमने पैट लाइन तक चेक कर लिया, हमने चार्जिंग आईसी चेंज कर लिया और हमने पावर आईसी चेंज कर चुके हैं। अब हम सीपीयू रिबॉल कर रहे हैं और अभी हमारा जो फॉल्ट है वो सॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अब हम अपने फोन को एक बार ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी लगा दी है और अब हमने फोन को बैटरी लगा दी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो गया कि नहीं गया। तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए हमारा फोन तो ऑन हो गया है जो हमने सीपीयू लगाया था। और अब फॉल्ट भी देख लेते हैं। देखिए तो फॉल्ट हमारा चला गया है, हमारा फ़ोन चार्जिंग पर आ गया वापस। आप देख रहे थे पहले स्क्रीन पे ऐसा आ रहा था और यहाँ पे 1.1 एम्पियर आ गया है, ये देखिए, और फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो बताएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश की है। और अभी भी वीडियो में रहिए क्योंकि मैं थोड़ा से सॉल्यूशंस भी नोट करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर एरर जो कि J4 का निकाला है और इसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और इस वीडियो को थोड़ा सा और क्लास वाइज भी ले लेते हैं कि क्या आप उसमें और कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है कि यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर एरर है वो बिल्कुल हट गया है। और जो हम करना चाहते थे इस वीडियो में सोल्यूशन जो आपको मिल गया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या किया हुआ है मैं और क्या कर सकते हैं एक बार थोड़ा क्लास वाइज भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने थर्मिस्टर तोड़ी, फिर मैंने देखा जो थर्मिस्टर हमारा जो बेसिकली लगा हुआ है उस पर मैंने चार्जर लगाया और वोल्टेज चेक किए, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाता है। अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बात करूँ तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनाएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने सबसे पहले थर्मिस्टर ढूंढे और फिर उन पे हमने वोल्टेज चेक किया। अगर मैं थर्मिस्टर सर्किट की बात करूँ तो बेसिकली थर्मिस्टर सर्किट वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में लगा होता है कुछ इस तरीके से। ये आपका 100K, ये आपका 100K, ये आपका R1, ये आपका R2। जैसे सपोज ये AP थर्म में लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आना है, तो फॉर्मूला ऐसा है इसका। सो यहाँ पर बेसिकली V रेड वोल्टेज आता है 1.8 मेन पावर से, तो ये हो गया वोल्टेज। सो फॉर्मूला है R2 इंटू V अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 1.8 अपॉन 200, क्योंकि 100 प्लस 200, और ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा 9। सो बेसिकली 0.9 वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 0.9 वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर 0.4 से 1 वोल्टेज के बीच में देखना, क्योंकि भाई हमको ऐसा काम नहीं करना है जो कैलकुलेशन के आधार पर तो करना ही करना, बट हमको ऐसा काम करना है अनुमानित जो हमारा काम 100% हो जाए, जहाँ हमारे को ये सर्किट डायग्राम नहीं भी हो तो भी हम बना लें। तो एक अनुमानित वोल्टेज हम इसे लेके चलते हैं। तो ये थर्मिस्टर का सर्किट था। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ज्यादातर दोस्तों क्या होता है, जो थर्मिस्टर होते हैं अगर उन पर
मान लो कोई भी वोल्टेज ना आए, 0 वोल्टेज मतलब कोई भी वोल्टेज ना आए, तो आप उन पर डायरेक्ट 1.8 वोल्टेज भी दे सकते हैं, तो ये बाईपास हो जाता है, और 0.4, 0.9, क्योंकि दोस्तों ये जो वोल्टेज होते हैं, इस वोल्टेज से वो सेंस करता है। अब जैसे सपोज 0.9 वोल्टेज है, तो इसे सेंस करता है, अगर इसे कम या ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो उसके हिसाब से वो टेम्परेचर अगर देता है। बट 0.8, 0.7 या 1.1, इससे ज़्यादा वोल्टेज से उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उसको 1.8 वोल्टेज भी ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं थर्मिस्टर पे। हो सकता है कि कोई सर्किट सपोर्ट ना करे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ये यहाँ पे काम करेगा, तो अगर नहीं करेगा तो थर्मिस्टर उसको चेंज करो, और उसकी जो VDD की लाइन है, उसकी जो VDD की लाइन है वो बनाओ, VREC की लाइन है वो बनाओ, और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दो। मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आप वोल्टेज से नहीं हो रहा है, तो ये आपका जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, सपोज ग्राउंड पे एक और आपको बीप आ रही है, तो इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ दीजिए तकरीबन 100 किलो ओम का, और उस यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दे दीजिए, तो भी आपका काम 100% हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके का ये आपका थर्मिस्टर है, यहाँ पर VREG 1.8 वोल्टेज आते हैं, और सपोज यहाँ पर 100 किलो और 100 किलो का ये थर्मिस्टर लगा होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर एक वोल्टेज बनता है जो कि तकरीबन 0.4 से 0.9, हालांकि ये इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, जो मैंने अपनी बुक में भी आपको बताया है। सो बेसिकली इसको हम R1, इसको हम R2, और जो वोल्टेज है इसको हम V से लेते हैं, तो हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जो बेसिकली आई थिंक R1 इंटू वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 इस तरीके से होता है। R1 है हमारा यहाँ पे 100 इंटू 1.8, और ये हो गया 200। तो दोस्तों पहले तो ये दो कट गए, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 1800 इंटू 2, और ये कट गए, तो ये तो दो कट गए 18, सो ये कट गए बेसिकली 9। सो बेसिकली 0.9, अगर हम देखा जाए तो 0.9 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि तकरीबन मिलते हैं, और ये थर्मिस्टर के यहाँ पर उसके हिसाब से होते हैं, उसके वैल्यू के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दूरा हमने, मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर थर्मिस्टर दूरा, दूसरे नंबर पे उस पर वोल्टेज चेक किए, तीसरे नंबर पे हमने जो चार्जिंग आईसी है उसको चेंज किया, चौथे नंबर पे हमने जो पावर आईसी है उसको चेंज किया, और पांचवे नंबर पे हमने सीपीयू को पहले पैड लाइन चेक की थर्मिस्टर की कि भैया अंदर से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और उसके बाद सीपीयू को रिवॉल्व किया, और हमारा जो काम है वो सक्सेस हो गया। थर्मिस्टर में आप थर्मिस्टर जब निकालेंगे तो उसके साथ में लगे कैपेसिटर और जो रजिस्टर है उसको भी निकालें, क्योंकि वो भी लीकेज हो सकते हैं। सो बेसिकली ये जरूर ध्यान रखिए। तो कैसा लगा, ये बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको थर्मिस्टर के में दिए हैं, कंप्लीट थोड़ा प्रैक्टिकल और एंडलेस समझाने की कोशिश की है, और एक फॉर्म भी बनाया है यहाँ पर, और जैसे कि देख सकते थे यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये चार्जिंग एरर में फ़ोन था। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर थर्मिस्टर के बारे में और डीपली, या थर्मिस्टर ढूंढने में, या आपको थर्मिस्टर ही नहीं, बहुत सारे सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक, बोर्नियो पढ़ने, बोर्नियो तो खैर कुछ भी नहीं है, मैं बोर्नियो बनाना सिखाऊंगा आपको, पैड लाइन, अंदर की डाटा, GR, फ्रिक्वेंसी, DSO कहाँ काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो इसे डेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए, और अपने कमाई को बढ़ाइए, और अपने लेवल को बढ़ाइए, और अपनी दुकान के स्तर को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, कीप इट, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं?
आपका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।